Hello students, so we are on the next part of this capacitor chapter. Already we have learned about the first part. ठीक है, तो पहले पार्ट में हम लोगों ने देखा था किस तरह से कंडक्टर पे कंडक्टर से हम लोग कैपेसिटर की तरफ जाने वाले थे, वो सारी बातें हमने की थी. लास्ट टाइम हमने प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर पढ़ी थी. अब हमारे पास जो टारगेट है उसी प्रॉपर्टी में हमने एक आखिरी पॉइंट पढ़ा था, शेयरिंग ऑफ चार्जेस. जैसे दो कंडक्टर्स जो होते हैं, वो दो कंडक्टर्स में से अगर कोई एक चार्ज कंडक्टर हो और एक अनचार्ज हो, या दोनों ही चार्ज हो, है ना, तो उनके बीच में जब भी कोई कनेक्शन किया जाए, यानी कोई वायर से उन्हें जोड़ दिया जाए, तो दे स्टार्ट शेयरिंग देयर चार्जेस, है ना. तो ये जो शेयरिंग है ये इसीलिए होता है क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है. एक कंडक्टर का पोटेंशियल ज़्यादा है, एक कंडक्टर का पोटेंशियल कम है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है, इसलिए चार्जेस एक जगह से, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर तक भागेंगे. ये बेसिक नियम है. अगर सर दोनों के कंडक्टर का पोटेंशियल, दोनों ही कंडक्टर का पोटेंशियल इक्वल हुआ तो क्या होगा? बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा, चार्जेस भागेंगे ही नहीं. नो मैटर कैसा शेप है, क्या है, कैसे चार्जेस हैं, कितने चार्जेस हैं, इट हार्डली मैटर्स. बट द ओनली थिंग मैटर्स इज पोटेंशियल डिफरेंस. वेन एवर देर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स, द चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल कंडक्टर टूवर्ड्स लोअर पोटेंशियल कंडक्टर टिल देयर पोटेंशियल बिकम्स इक्वल. तो अब एक बहुत बेसिक मंत्र, बेसिक रूल को हम लेके चले, ठीक है ना, तो एक बेसिक मंत्र को लेके चले, द चार्जेस विल फ्लो फ्रॉम द कंडक्टर एट हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स, कह सकते हैं हम, टूवर्ड्स द कंडक्टर एट लोअर पोटेंशियल टिल देयर पोटेंशियल्स बिकम इक्वल. तो इस नोट के साथ हम आज की बात को शुरू करेंगे, ठीक है. So basically today we need to concentrate on sharing of charges. Okay, so अभी हम लोग आज के दिन ना सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ पे concentrate करेंगे, एक ही चीज़ पे focus करेंगे, that is called sharing of charges. अब ये जो sharing of charges है इसको हम लोग कैसे करने वाले हैं, देखो. तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ना, मैं दो spherical conductor, अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूँ कि मैं specifically spherical conductors ही ले रहा हूँ, ठीक है, और spherical इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसके पोटेंशियल्स लिखने में हमें आसानी होगी, ठीक है ना. हम चाहें तो हम ऐसे नॉन यूनिफॉर्म शेप के कंडक्टर्स भी ले सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज हम उसका पोटेंशियल अभी नहीं लिख पाएंगे डायरेक्टली, ठीक है. तो अभी हमें पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो हमने सीखा है, तो हमें सिर्फ ये पता है कि भाई किसी स्पेरिकल सर्फेस अगर हम ले लें तो उसके क्यू चार्ज के कारण कितना पोटेंशियल होता है उस पर. तो हम इसलिए अभी स्पेरिकल लेके चल रहे हैं. आगे जाके जब हम कैपेसिटर के अंदर पूरा डीप में उतर जाएंगे तो हम नॉन यूनिफॉर्म शेप के कंडक्टर का भी पोटेंशियल लिख पाएंगे, क्योंकि वहाँ कैपेसिटी ये टर्म इन्वॉल्व हो चुकी होगी. थोड़ा दिमाग में क्लैरिटी रखें, वहाँ कैपेसिटी आ जाने के बाद इट विल बी वेरी इजी टू राइट डाउन दी पोटेंशियल ऑफ एनी शेप्ड कंडक्टर. ओके, सो लेट अस से दिस इज अ कंडक्टर ए, दिस इज अ कंडक्टर बी. इनिशियली इट हैज सम चार्ज, ठीक है, और मैं इसको भी कह देता हूँ इट इज ऑल्सो हैविंग सम चार्ज, ठीक है. एंड इसका इनिशियल चार्ज लेट इट बी क्यू ए, इसका इनिशियल चार्ज लेट इट बी क्यू बी, है ना. तो मैं कहता हूँ लेट द पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर्स इनिशियली बी वी ए एंड VV, they are the potentials of conductors initially when they are not connected by any source wire, ठीक है. When they are not connected, that the potential is VA and VB. I hope you have written this note. Okay, so अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए अब हमें इसमें ज़रूरत पड़ेगी स्पेस की. So after the connections are made, जैसे ही ये connection आप कर लेते हैं, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द फाइनल कंडीशन, है ना. दिस इज द कंडक्टर ए एंड दिस इज द कंडक्टर बी. आफ्टर मेकिंग द कनेक्शंस द चार्जेस विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द हायर पोटेंशियल पार्ट टू द लोअर पोटेंशियल पार्ट. सो लेट द फाइनल चार्जेस बी क्यू डैश एंड क्यू डैश. इनको मैं छोटा लिखता हूँ, ठीक है ना, छोटा क्यू ए और छोटा क्यू बी. सो दिस इज क्यू ए डैश
एंड दिस इज क्यू बी डैश ओके एंड वी ए डैश एंड वी बी डैश ठीक है इनिशियली इसका पोटेंशियल वी ए एंड इसका पोटेंशियल वी बी यहाँ वैसे हमने स्पेसिफाई किया ही है ठीक है सो इनिशियल पोटेंशियल्स वर वी ए एंड वी बी एंड द फाइनल पोटेंशियल इज वी ए डैश एंड वी बी डैश आपको एक चीज़ यहाँ पे समझ में आती होगी कि हियर वी नो दैट Final potentials are equal. That is, VA dash is equal to VB dash. This is the very important outcome. Okay? This is the very important outcome. कि भाई VA dash और VB dash जो है, वो दोनों equal हैं. पता नहीं ये ऐसी नहीं चल रहा है. ठीक है ना? एक second है ना? इसके साथ कोई मजाक करके गया है ऐसा होता है समटाइम्स मल्टीपल लोग हैं छेड़छाड़ होती रहती है ठीक है चलो खैर आई थिंक इट विल वर्क नाउ तो दिस इज वी ए डैश वी बी डैश ओके अब इसके बाद यहां से हम देखें तो हम क्या करेंगे For the initial condition, ठीक है not for the initial condition, we can apply that for any time, ठीक है We can use conservation of charges. देखो हम conservation of charges लिख सकते हैं एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जितने चार्जेस इनिशियली सिस्टम के पास थे उतने ही चार्जेस सिस्टम के पास फाइनली रहेंगे ठीक है तो हम यहाँ लिख सकते हैं इनिशियल चार्ज ऑन सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑन सिस्टम सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि इनिशियल चार्ज ऑन सिस्टम विल बी इक्वल टू फाइनल चार्ज ऑन सिस्टम So what are the initial charges? So initial charges are QA plus QB. And what are the final total charges? It is QA dash plus QB dash. थोड़ा सा ध्यान देना इस इक्वेशन को मैंने लिखते समय क्या किया है सिर्फ मैंने चार्जेस को कंजर्व करवाया है और एक्चुअली तुम्हें ये पता है चार्जेस दे कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर दे कैन बी डिस्ट्रॉयड दे आर ऑलवेज कंजर्वड ऑन एनी सिस्टम दे इवन यू कैन से दे आर कंजर्वड इन यूनिवर्स ठीक है सो वेन एवर वी आर टेकिंग टू कंडक्टर्स लाइक दिस चार्ज कंडक्टर्स तो इनके ऊपर भी जो चार्जेस हैं दे आर कंजर्वड ठीक है अब ये कंजर्व है यानी इनिशियल सिस्टम पे जितने चार्जेस थे फाइनल चार्जेस भी उतने रहेंगे दिस इज इक्वेशन नंबर वन बट देर आर टू अननोन्स विच वी नीड टू फाइंड आउट क्यू ए डैश एंड क्यू बी डैश ठीक है ना तो अब यहाँ से क्या है कि भाई अब हमें क्यू ए डैश और क्यू बी डैश को निकालना है फाइनल चार्जेस को निकालना है ठीक है टारगेट हमारा है टू फाइंड आउट फाइनल चार्जेस ओके अब इसमें हम लोग यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ ना कैलक्यूलेट क्यू ए डैश एंड क्यू बी डैश मेन मोटिव ये है मेन मुद्दा ये है कि हमें क्यू ए डैश और क्यू बी डैश को निकालना है ठीक है सो देर आर टू अननोन्स बट ओनली वन इक्वेशन एंड वी कैन हैव वन मोर इक्वेशन बाय दिस कॉन्सेप्ट ठीक है ना ऑल्सो वी नो दैट वी ए डैश इज इक्वल टू वी बी डैश ठीक है सो हाउ यू विल राइट वी ए डैश देर फोर वी ए डैश इक्वल टू आपके पास पता है कि एक सरफेस पे आप जो है वो लिख सकते हैं इसका पोटेंशियल सो ये कितना लिख सकते हैं आप के क्यू ए डैश अपॉन हाँ इनकी रेडियसेस आपको लेनी थी लेट इट बी आर ए एंड लेट इट बी आर बी इनकी रेडियस लिखनी पड़ेगी आपको ठीक है के क्यू ए डैश अपॉन आर ए एंड वी बी डैश इक्वल टू के क्यू बी डैश अपॉन आर बी दीज आर दी पोटेंशियल्स ओके अच्छा एक बात और समझेंगे यहाँ से जब हमने इनके पोटेंशियल्स लिख दिए के क्यू ए डैश अपॉन आर ए के क्यू बी डैश अपॉन आर बी ये फाइनल पोटेंशियल्स हैं ठीक है हम तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे ठीक है ना इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेटिंग वी ए डैश वी बी डैश अब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा के क्यू ए डैश अपॉन आर ए इक्वल्स टू के क्यू बी डैश अपॉन आर बी के विल बी कैंसल्ड
सो यू कैन सी वन थिंग, क्यू ए डैश अपॉन आर ए इज इक्वल टू क्यू बी डैश अपॉन आर बी. सो यू कैन से क्यू ए डैश बाय क्यू बी डैश इक्वल्स टू आर ए बाय आर बी. अच्छा थोड़ा ध्यान देना इस पर. आपको अगर चीज़ एक समझ में आती होगी तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो फाइनल चार्जेस का रेशो है वो रेडियस का ही रेशो है. जो फाइनल चार्ज का रेशो है वो रेडियस का ही रेशो है. यानी जितना बड़ा स्पीयर होगा, जितना बड़ा आर होगा, उतना ज़्यादा फाइनल चार्ज उस पर आएगा. एक्चुअली ये चार्जेस का रेशो, देखो एक और चीज़ मैंने कही थी, अगर आइडेंटिकल रहते यानी दोनों की रेडियसेस इक्वल हो जाती, इक्वल हो जाती तो आर ए बाई आर बी की वैल्यू वन हो जाती, यानी क्यू ए डैश इक्वल टू क्यू बी डैश हो जाता. देखो हमने ये बात ऑलरेडी पिछले वीडियो में की हुई है कि अगर दो स्पीयर्स ऐसे लिए जाएं जो आइडेंटिकल शेप साइज के हैं तो उन पे जो भी इनिशियल नेट चार्ज था उसका आधा आधा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. तो इक्वल इसलिए क्योंकि दोनों आइडेंटिकल थे यानी रेडियसेस इक्वल थी. तो दिस इज़ वेरी सिंपल. बट अभी हम जो चीज़ लेने जा रहे हैं, जो केस लेने जा रहे हैं, उसके अंदर इनकी रेडियसेस इक्वल नहीं है तो हम इसको इस तरह लेने जा रहे हैं. तो यहाँ से ये जो चीज़ है देखो ये कैसी होती है. देयरफॉर अब यहाँ से क्यू ए डैश जो है इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर ए बाय आर बी. मैं यहाँ से क्यू ए डैश की वैल्यू निकालता हूँ और उसको फिर इक्वेशन नंबर वन में लिख देता हूँ. दिस इज क्यू बी डैश. अब इसको इक्वेशन नंबर, दिस इज इक्वेशन नंबर टू. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे क्यू ए डैश इन इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन वन में डाल देंगे इसको, कोई दिक्कत ही नहीं है. सो क्या हो जाएगा, देखो क्यू ए प्लस क्यू बी इक्वल टू क्यू ए डैश, यानी क्या हो जाएगा आर ए अपॉन आर बी इंटू क्यू बी डैश, और प्लस एक और हो जाएगा क्यू बी डैश. आई थिंक वेरी सिंपल टू यू, वेरी यू कैन वेरी इजीली अंडरस्टैंड दिस, इट इज़ वेरी सिंपल. सो फाइनली वॉट यू विल गेट, दिस इज क्यू ए प्लस क्यू बी और इक्वल्स टू आर ए प्लस आर बी को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन आर बी और इंटू मैंने कर दिया क्यू बी डैश को बाहर. सो फाइनली यू कैन राइट क्यू बी डैश, that is the final charge on sphere B, या second वाला conductor is QA plus QB, that is the total charge into RB upon RA plus RB. ठीक है, इसको थोड़ा arrange करके लिख दें अगर हम, so QB dash is nothing but RB, यानी QB dash is nothing but, देखो final charge on B equal to B का radius upon total radius, that is RA plus RB. ठीक है, इनटू टोटल चार्ज यानी क्यू ए प्लस क्यू बी. इसी से आप क्यू ए डैश लिख सकते हैं. अब यहां से आप क्यू ए डैश भी तो लिख सकते हैं. दिस इज क्यू बी डैश फाइनल चार्ज. व्हाट इज क्यू बी डैश, इट इज फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर बी, फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर बी. ठीक है, तो सिमिलरली क्यू ए डैश इक्वल टू क्यू ए डैश. अब उसके लिए क्या होगा, उसका आर ए अपॉन टोटल रेडियस, दैट इज आर ए प्लस आर बी इंटू टोटल चार्ज, दैट इज क्यू ए प्लस क्यू बी. दैट्स इट, दिस इज क्यू ए डैश, दिस इज द फाइनल चार्ज ऑन स्फीयर ए. आई थिंक ये बात आपके समझ में आई होगी. आई थिंक द थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू. हाँ, इसके बाद इफ यू वॉन्ट टू राइट द फाइनल पोटेंशियल आपसे और एक चीज़ पूछी जा सकती है, फाइनल पोटेंशियल. सो इट इज़ वी ए डैश इज इक्वल टू वी बी डैश इक्वल्स टू, यू कैन राइट इट एज क्यू ए डैश अपॉन आर ए, और यू कैन राइट इट एज के क्यू बी डैश अपॉन आर बी. समझ में आती है बात. अब आपको क्यू ए डैश क्यू बी डैश की वैल्यू लिख देनी है, बस खत्म. तो यहाँ से मैं एक लिख देता हूँ, वी ए डैश इक्वल्स टू के क्यू ए डैश, यू कैन राइट इट एज के, और क्यू ए डैश इज आर ए, सॉरी आर ए अपॉन आर ए प्लस आर बी, ओके, और इंटू क्यू ए प्लस क्यू बी. ठीक है, सो दिस इज वी ए डैश, दैट इज फाइनल पोटेंशियल. ठीक है ना, और होल डिवाइडेड बाय, दैट इज होल डिवाइडेड बाय आर ए. मेरी बात समझने की कोशिश करो, दिस इज नथिंग बट सिंपल वी ए डैश, दैट इज द फाइनल पोटेंशियल, दैट इज के क्यू ए डैश, दैट इज के क्यू ए डैश अपॉन आर ए. आप यहां से क्या करो, आर ए को कैंसिल कर दो, सो यू विल गेट वी ए डैश इक्वल्स टू व्हाट यू विल गेट, के क्यू ए प्लस क्यू बी होल डिवाइडेड बाय आर ए प्लस आर बी. सो दिस इज वी ए डैश. ठीक है ना, इवन
सेम थिंग, आपको वी बी डैश भी यही मिलेगा, सॉरी क्यू बी डैश अपॉन आर बी है, तो क्यू बी डैश की वैल्यू जब डालोगे तो आर बी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट द सेम थिंग अगेन के इट इज क्यू ए प्लस क्यू बी अपॉन आर ए प्लस आर बी, दिस इज द वैल्यू ऑफ वी बी डैश। ओके सो अभी हमारे पास ये एक चीज़ भी आ गई, वो एक चीज़ भी आ गई, मैं थोड़ी और चीज़ें बता देता हूँ इसमें। वी ए और वी बी भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये ध्यान रखें, इसका इनिशियल पोटेंशियल अगर आप लिखना चाहें तो वी ए इक्वल टू के क्यू ए अपॉन आर ए आप बड़े आसानी से लिख सकते हैं, वैसे ही अगर आप वी बी भी लिखना चाहें, थोड़ा नोट डाउन कर लें, वी बी इक्वल टू के क्यू बी अपॉन आर बी आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। दीज आर द इनिशियल पोटेंशियल्स, है ना। इसके बाद यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, ठीक है, इसको आपने लिख लिया होगा आई होप, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा इसको रब करना होगा, इसको लिख लिया है सबने तो लिख लिया है तो अपने पास लिख लो फटाफट, मैं इस पार्ट को थोड़ा क्लियर करता हूँ क्योंकि अब मुझे लिखना है हीट लॉस्ट। अब ये जब चार्जेस भागेंगे कंडक्टर में से, ठीक है ना, तो जब हम इसको कंडक्टर वायर कंडक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तब यहाँ पे क्या होगा, कुछ हीट भी लॉस्ट हो जाएगा, कुछ हीट लॉस्ट हो। अच्छा एक बात और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आइसोलेटेड कंडक्टर और नॉन आइसोलेटेड, तो ये बात ध्यान रखें। पहली बात, ये जो हमने दो फिगर्स बनाए थे यहाँ, दे आर एट लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, है ना। जो स्पीयर्स मैंने यहाँ बनाए थे दोनों, वो दोनों बहुत दूरी पर हैं, जो भी हम पोटेंशियल स्पीयर्स का लिखेंगे वो सिर्फ खुद का ही होगा बिकॉज दे आर नॉट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, ये दोनों स्पीयर्स का अभी सिर्फ हम खुद का पोटेंशियल ही देख रहे हैं और चार्जेस जो हैं सिर्फ भागने का रास्ता एक है, वो है वायर, बाकी कोई रास्ता उनके पास नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको फटाफट से एक और चीज़ समझा के इसको कंक्लूड करता हूँ इस पॉइंट को, ठीक है। हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, ठीक है। अब when the charges flow through the wire, when the charges flow through the wire, some energy is lost to overcome the resistance of conductor. कुछ तो energy loss हो गई, ठीक है। सो एक बात समझ लें, हीट लॉस्ट। अच्छा एक बात और समझ लेना कि ये सारा की सारा ना खेल पोटेंशियल एनर्जी का, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जो सिस्टम की इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, अब लॉस हो गई, पहले सिस्टम के पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी और फिर जब नए चार्जेस आ गए क्यू ए डैश और क्यू बी डैश, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। उसको कैसे लिखते हैं वो सब बताऊंगा, डोंट वरी। हाँ अभी के लिए तुम चाहो तो उसको सेल्फ एनर्जी लिख सकते हो, जो हम लोग सेल्फ एनर्जी लिखते थे वो हम कितनी लिखते थे आपको पता है, आप किसी स्पीयर की सेल्फ एनर्जी लिख सकते हो के क्यू स्क्वायर बाय 2R, ठीक है। तो अभी के लिए हम उसको सेल्फ एनर्जी लिख सकते हैं, उसमें इंटरेक्शन नहीं आएगी क्योंकि अभी मैंने बताया बहुत दूर है वो दोनों, तो उधर पोटेंशियल एनर्जी इंटरेक्शन वाली नहीं है, जो भी है वो सेल्फ है, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो अब जब लॉस हो गई है, लॉस होने के बाद फाइनल आई है, तो बड़ी कौन सी रहेगी, ऑब्वियस है इनिशियल बड़ी रहेगी, फाइनल छोटी रहेगी। तो हीट लॉस्ट इज इक्वल टू यू सिस्टम, या फिर मैं इसको थोड़ा वर्ड्स में लिख दूं ताकि याद रहे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ऐसा लिख देता हूं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर करें कि यहाँ इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, तो हीट लॉस्ट इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल, मैंने कहा है सिर्फ और सिर्फ सेल्फ एनर्जी आएगी, यानी आ जाएगा के QA स्क्वायर बाय 2RA। देखो ज़रा, ये आ गई स्पीयर A की इनिशियल सेल्फ एनर्जी प्लस KQB स्क्वायर बाय 2RB। दिस इज कंप्लीट, दिस इज
इनिशियल सिस्टम एनर्जी, दिस इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम यू कैन से, माइनस फाइनल इज के क्यू, क्यू 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 कौन सा क्यू, दैट इज क्यू ए डैश का स्क्वायर, क्यू ए डैश का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर ए प्लस के क्यू बी डैश का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस आर बी, ठीक है ना। सो दिस इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम एंड हेंस यू विल गेट द हीट लॉस्ट। बट आगे जाके ये पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर के अंदर थोड़ी चेंज हो जाएगी, वहां पे हम थोड़े अलग तरीके से कैपेसिटी के साथ पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीखेंगे। बट अभी फिलहाल ये हमें कंडक्टर की पोटेंशियल एनर्जी पता है। और बहुत इंपॉर्टेंट एक बात ध्यान रखो, वो दोनों कंडक्टर बहुत दूर रखे हैं, इतने दूर कि एक दूसरे पे किसी प्रकार का कोई पोटेंशियल वो नहीं ला सकते, ठीक है। तो इस बात को समझें। तो अब अगले थोड़े से, अब नेक्स्ट पार्ट में इसको अच्छे से लिख लो, कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट चीज़ अब हम जो पढ़ेंगे इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम लोग फिर से इसको वाइप करते हैं, तुरंत वापस आते हैं, इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। चलो